धन्यवाद आपका माननीय अध्यक्ष जी। मैं इन राम जी के ठेकेदारों से कहना चाहता हूं, जो लंबादार ये दिखा रहे हैं लंबादारी कि हम राम जी के ठेकेदार हैं, राम जी हर कण कण में है, हर जगह राम जी हैं, सब जगह राम जी हैं, जीव जंतुओं में राम जी हैं, और बड़े ठेकेदार बन रहे हैं राम जी के। राम जी का घर बना दो, राम जी तो सबके घर बनाते हैं। वाह वाह वाह। एक कहावत में बताता हूँ, ये टाइम सा लग रहा है मेरी कहावत। क्या करें? टाइम एक सेकंड है। ये कहावत एक कहावत एक कह रहे हैं, उनकी टाइम में मत काटिएगा, यानी कटेगा कटेगा। एक बनिए की गाय खोई गई, एक बनिए की गाय खोई गई, वो ढूंढता ढूंढता मोहल्ले में गया तो आकर जो जाट खड़े थे, कहना क्या हुआ, परेशान कैसा है, कहले मेरी गाय खोई गई। वो भी उसके साथ लग गए ढूंढवाने। अब वो खर्चा पानी करे, चाय पानी पिलाता पिलाता आगे हस्तिनापुर पहुंच गया। वहां मंदिर बहुत थे, कहने लगे देवी के मंदिर में बोल दे, मध्य का जमाना था, पुराना जमाना, कहने लगे जी मैं 250 रुपए का प्रसाद बोलता हूँ, मेरी गाय मिल जाता। आगे क्या कहे, हनुमान जी का मंदिर है उसमें भी 250 का, आगे गौरा पार्वती का इसमें भी 250 का, श्री रामचंद्र जी का इसमें भी 250 का, कृष्ण जी का इसमें 250 का। एक जाट बोला रहे बेटी चुप, ये तो देख ले। नहीं नहीं ये शब्द निकाल दिया जाए, नहीं नहीं ये शब्द समरपाल जी प्लीज देखिए विधानसभा में आप बोल रहे हैं, नहीं ये बात अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, उसको निकाल दिया जाए। नहीं इस तरह की भाषा इसके लोगों से उचित नहीं है, ये अलाउड नहीं है, इस प्रकार की भाषा अलाउड नहीं है। और प्रसाद हो गया 5,500 का, तो लाला बोला गाय मिल जाए प्रसाद कौन भाग रहे, ये वही लाला है, इन्हें राम जी से कोई अंदर दी नहीं है, इन्हें तो सत्ता चाहिए, सत्ता सत्ता चाहिए, सत्ता का खिलौना चाहिए। अगर ये राम जी के अंदर होते, ये कहते सबका साथ सबका विकास, चुप रहे, सबका साथ सबका विकास। अरे एमएलओ के साथ तो सबका साथ सबका विकास हो नहीं रहा, सबकी सड़क बन गई इधर की, हमारा खर्चा भी नहीं बना, ये होता शरण करो यार। समरपाल जी मेरे मेरे समरपाल जी मेरी तरफ बोलिए, मुझे बोलिए, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, मुझे बताइए, मेरे से बात करिए, उधर नहीं, सीधा बात नहीं करेंगे, सीधा बात नहीं करेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से मांग करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। 80 करोड़ लोग, मान्यवर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 4-4, 5-5 किलो का राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं हम जिंदा रख रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, तुमने 20 करोड़ ऊपर कैसे उठा दिए भाई, ऊपर कैसे उठा दिए गरीबी से, जब 80 करोड़ को तो तुम राशन दे के जिंदा रख रहे हो, सरकार जिंदा रख रही है 80 करोड़ को, तो गरीबी के ऊपर कैसे उठ के 20 करोड़, ये तो बता दो। और मैं प्रदेश में बहुत अपराध बढ़ा है, लड़की हमारी बच्ची उठा ली वहां से बनारस से, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, और कार में चलती कार में बेच दिया, अब तक तो बुलडोजर चल जाता है, हम अलग पार्टी का होते तो एक का, अरे मकान नहीं बनाना तो धवा दो यार। अब मैं पंचायत साहबों का वेतन शिक्षक, बेसिक शिक्षक उनको बाबू बना दिया, इतना काम लेती है सरकार, पढ़ाई का कोई काम नहीं हो रहा, माना सब बेकार कर दिए, पटवारी का काम उनसे और झाड़ू पोछे का काम उनसे और जितना भी वोटर वोटर सब उनसे लिया जा रहा था, पढ़ाई बिल्कुल नगण्य हो गई है। इसमें आप इनको कह के बेसिक शिक्षकों को उनसे काम ना लिया जाए, आपका सिखा है बनाई, आपका सिखा वेतन मिला नहीं, मेरे पीछे सारी लड़कियां रो रही वहां पे, वो देवी क्या बना कर साहब हमारा वेतन दिला दो, तो भाई सिखा पिखा बनाते कि मुझे वेतन कहीं निजाम नहीं। इनको नियमित करो, इनको नियमित करो, मंत्री जी इनको नियमित करो, वेतन का इंतजाम करो। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब है हमारे, हम रोहा में गंदे का मिला है, इतने दिन से बंद पड़ा कहे गन्ने के मिल सब चालू हो जाएंगे, भाई कहाँ से चालू हो जाएंगे, मशीनें निकाल ली सब नसेड़ी हो जाए, जितने नसेड़ी थे सब लेके निकाल। अब मैं आपने
मैं कहा था एक मीटिंग में कि आपके साथ दुहात नहीं होते, तू का बेईमाना नहीं हो, हमें भी इतना ही दो। दुहात का मतलब तो बता दो। अब दुहात समझ गए, माने अब जितना इनको मिला उतना हमें दिलाओ साहब आप मान लेते, ये तो आपको चलाना ही पड़ेगा। स्टेडियम बनवाया जाए मेरे क्षेत्र में, डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे क्षेत्र में, लगाओ एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था कराई जाए, और तुगलकाबाद इंटर कॉलेज है। अरे इसे कहीं सरसिकार तुगलकाबाद, वो तो मत एक कन्या डिग्री कॉलेज मान्यवर वहाँ है तुगलकाबाद में, उसमें स्टाफ नहीं है, एक चौकीदार है और एक टीचर है बेचारा, इंटर कॉलेज में सरकारी इंटर कॉलेज है। टुकलाबाद हसनपुर तहसील में पड़ता है। और अभी एक माध्यवाल कह रहे थे राजेश सर जी हमारे ईडी वाले भाई, ईडी भी हम तो पढ़े लिखे इतने इतने बड़े नाला प्रदान करे तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे मैं नवाब हमारे कताई मिल बंद पड़ा बहुत दिनों, कताई मिल सरकारी कताई मिल है, उसकी लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिली, उनको मिल चलवाया जाए, उनकी पिछली बकाया दिलवाया जाए। ये जो बजट है 7,36,437 करोड़ का, 31 लाख का